नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम अगले कुछ ही घंटों में आने की उम्मीद है। करीब एक दिन से ज्यादा चले मतगणना के दौर के बाद अब तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। जो बाइडेन जीत से महज कुछ ही दूर खड़े हैं, लेकिन नतीजों में कानूनी झंझट दिखाई दे रहा है। जैसा कि ट्रंप पहले ही साफ कर चुके हैं कि वो इतनी आसानी से राष्ट्रपति पद की सीट को नहीं छोड़ेंगे। जानिए आखिर कहां पेच फंसा रहे हैं ट्रंप, हमारी इस रिपोर्ट में। पावर को इतनी आसानी से अपने हाथ से कोई नहीं जाने देना चाहता। इसकी जीती जागती तस्वीर हम अमेरिका में देख सकते हैं। चुनाव के जो नतीजे रहे उससे साफ पता चल रहा है कि ट्रंप अब व्हाइट हाउस में दोबारा बतौर राष्ट्रपति नहीं दिखेंगे। लेकिन जैसा कि ट्रंप बातों ही बातों में पहले ही साफ कर चुके थे कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे और कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनावों के नतीजों के बीच ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में धोखेबाजी का आरोप लगाया और पोस्टल बैलेट पर सवाल उठाए। दोनों पार्टियों का कहना है कि वो किसी भी तरह के कानूनी विवाद के लिए पहले से तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ जहां ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि वोटों की गिनती फिर से हो, नहीं तो वो कोर्ट चले जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बाइडेन भी इसके लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि वो किसी भी तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। अमेरिका से जो आंकड़े आए हैं वो ये बताते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका के जादुई आंकड़े से महज 6 वोट दूर हैं, वो उसे आसानी से पा भी लेंगे। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें तेज दिखाई दे रही हैं। जैसे जैसे बाइडेन जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात की चर्चा भी तेज हो रही है कि क्या बाइडेन की जीत भारत के लिए फायदेमंद रहेगी। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन भारत की कई नीतियों के आलोचक रहे हैं। भारत में एक घड़ा मानता है कि बाइडेन और हैरिस जिस तरह से जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार और एनआरसी सीएए को लेकर मुखर रहे हैं, उससे भारत को परेशानी हो सकती है। डेमोक्रेटिक पार्टी का पाकिस्तान को लेकर रिपब्लिकन पार्टी की तुलना में रवैया भी काफी नरम रहा है। इसलिए अब ये देखने वाली बात होगी कि अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो इससे भारत के साथ अमेरिका के रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा। वहीं बात करें अगर चुनाव नतीजों की, तो अमेरिका में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। चुनाव परिणामों के लिए बेहद अहम राज्य पेंसिल्वेनिया के फिलाडेल्फिया में मतगणना के दौरान सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं और उनकी मांग है कि हर एक वोट गिना जाए। खैर, अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर अमेरिका के व्हाइट हाउस में अगले 5 साल तक किसका राज चलेगा। पॉलिटिकल डेस्क।